अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी प्रेजेंटेशन से पहले एक हमने छोटा सा स्किट तैयार किया है, वो पहले हम देखते हैं और फिर बाद में कार्टून देखते हैं। ये एक साहब हैं, मंच पर बैठे हैं, और चूंकि यू नो दैट द टॉपिक इज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ ही इज़ यूजिंग नहीं कुड़ी ये ऐसा ध्यान करो ना, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान आप देखते जाएँ कि उस बेचारे का हाल क्या होता है। और उस योर नेम ब्रदर हमाद, हमाद के पेरेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं नकाब करके, और वो सब कुछ आपके सामने ही है और ये सारे वायरसेस आपके सामने हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, अब देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे जैसे है कबूल फरमाइएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इंशाल्लाह। इसका जो मॉरल है वो ये है कि इंसान करता कुछ है, उसने सोचा कुछ होता है, और एट द एंड जब वो अपनी ज़िंदगी 8-10 साल की एजुकेशनल लाइफ गुजार चुका होता है तो उसके पास फिर बचता क्या है। ओके शुरू करें हम। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ? जी जी आए। क्या कर रहे हो? मैं पाकिस्तान का झंडा बना रहा हूँ। पाकिस्तान का झंडा? जी जी। ओके थोड़ा सा टाइम है आपके पास, जल्दी आ जाना। हाँ मैं बस 2 मिनट में आया। ज़्यादा टाइम लगाना। ये बना के आता हूँ। हमाद अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ लो। पढ़ लेता हूँ ना, पहले ये तो बना लूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला। माद आपको मिला टाइम मेरे लिए कि नहीं? अभी आ रहा हूं बस यार। माद अजान हो रही है, नमाज पढ़ लो। छोड़ दो जहां टिकटॉक की, पढ़ता हूं ना बस, अभी टाइम काफी है, पढ़ लेता हूं। अशहदु अन ला। माद 5 मिनट में आ जाऊं वरना पकड़ो अपने बच्चे, मैं आ जा रही हूं। أشهد أن محمد رسول الله हमाद खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो। खाता हूँ ना, पहले अपना काम तो मुकम्मल कर। खाना खा लो पहले। खा ले तू यार। खाना ऊपर जा, बाकी बाद में खाता हूँ। मादा आपने नहीं आना, मैं लाऊं जरूर। फिर आ रहा हूँ, बस 2 मिनट वेट तो कर लो ना, पहले काम। हम आज खाना खा लो, टाइम हो गया। खाना बाद में खाऊंगा, पहले काम तो मुकम्मल करूं। पहले खाना खा लो। कंपटीशन एक बनाना है। हमाद खाना खा लो, इतना बड़ा खाना आया है। माँ साहब आपके कपड़े। हाँ मैं ना बस थोड़े से काम करने के लिए हम चलते हैं आपके। मैंने तुम्हें कहा था जमी के पास जाना है। पिज़्ज़ा खाने चलेंगे ना। रिश्वत ना दो। जन्नत मिर्ज़ा हैं, 3 अदर पोस्टेड आने वीडियो। माइक पे
हमारा खाना खा लो। सोने का टाइम हो गया, सो जाओ। अपना काम तो मुकम्मल कर लो। माइक किधर गया? अमात किधर तक पहुंचा है काम? कितना रह गया है? टाइम हो गया, खाना खा लो पहले। सब लोग उसे उठा लो, सारे कह रहे हैं उठा लो, उठा लो, उठा लो। ओके, मैं चेक तो करूं कि आपने आया इसने। और 10 साल लगा के उसने पढ़ाई की है और उसने बोला है कि मैं पाकिस्तान का नक्शा बनाऊंगा। देखें माशाल्लाह। मैं तो पाकिस्तान का झंडा बना रहा था, ये क्या बन गया? समझ नहीं आया। अफसोस है यार, कल कंपटीशन है, मैं क्या बना दिया है। मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगा? जैसे पहले जाते थे। चल गए पांव से। यार कल कंपटीशन था मेरा, मैंने क्या कर दिया? इन एप्लीकेशन से मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अब इनसे अवॉइड करना है यार। 8-10 साल मेरे ज़ाया गए इनकी वजह से। क्या यार अफसोस है। मैं कल कैसे जाऊँगा स्कूल और क्या जाके टीचर को बताऊँगा यार? प्यारे बच्चों आप मशवरा दें मुझे क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आप देख ही सकते हैं अब क्या हो गया। पाकिस्तान का झंडा बनाने बैठा था, अमेरिका का बना दिया। इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए। ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी स्टडी में रुकावट पैदा करती है, इनसे बचना चाहिए। और देखें अब कैसे बचना। आइए देखें, ये फेसबुक डेली मुझे नोटिफिकेशन आते हैं। इसमें कोई पिक्चर अपलोड करूं तो लाइक कमेंट्स के ढेर लगे होते हैं और उन्हीं को मज़ीद लाइक करने पे टाइम लग जाता है, रिप्लाई करने पे टाइम लग जाता है। अब इसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। चाचा अभी देखें टिकटॉक, इस पर वीडियोस देखता था। अब ये देखें टिकटॉक, इसने तो बेरा गरक कर दिया मेरा। इसे तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अब ये देखें इंस्टाग्राम, इस पे भी वही है, बस फालतू चीज़ें आती जाती हैं सामने। लाइक करना है, बस ये करना है, वो करना है। इसकी वजह से तो ज़्यादातर मेरा ख़राब हुई है। दफा यूट्यूब, इस पे तो हर टाइम वीडियोस वगैरह मूवीज। इस पे तो यूट्यूब, इस पे तो हर टाइम मैं ड्रामे मूवीज़ देखता रहता था। इसकी वजह से तो काफ़ी काम ख़राब हुए। चल B612, इसकी ये तो सारी जर है। इस पे सेल्फीज ले के अपलोड करता था सोशल मीडिया पे। इसकी वजह से तो बाकी चीज़ें मैं यूज़ करता था, बाकी एप्लीकेशन। चल शाबाश। व्हाट्सएप,
ये तो एक है तो कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन क्या करें ये तो स्टूडेंट्स के लिए नहीं ठीक यार। ईमो, ये भी वही व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है यार। ईमेल इस पर तो बस फालतू सी चीज़ है, टाइम वेस्ट किया मैं अपना। स्काइप यार, इस पर तो वीडियो कॉल, दूसरी कॉल, मैसेजेस पे टाइम इतना वेस्ट होता है, इसकी वजह से तो ज़्यादातर ये ख़राब हुए। आज के बाद तू भी मेरी ज़िंदगी से दफा, मेरे पैसे लगवाने के और किए ही क्या, चल शाबाश चल। मैंने तुम्हें दिन में 5 दफ़ा कहा नमाज पढ़ लो, लेकिन तुमने 1 दफ़ा भी नहीं नमाज पढ़ी। यही मुझसे गलती हुई, मैं बाकी एप्लीकेशन में मसरूफ रहा, अपना काम भी ना ठीक कर सका, नमाज को भी ना पढ़ सका। आइंदा से इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करूँगा, नेक्स्ट टाइम से सुनी होगा। बेस्ट ऑफ लक। देखो तुमने खाना भी नहीं खाया, तुम्हारी पसंद का लेग पीस मैंने भेजा था। इतने साल तुम पे मेहनत की, तुम पे पैसा लगाया, लेकिन आखिरकार तुमने मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके हमें धोखा दिया। इतनी फैसिलिटीज़ देने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मोबाइल की वजह से मैंने अपने सारे मामलात को छोड़ा, ज़रूरी मामलात को, फैमिली को टाइम ना दिया, सिर्फ मोबाइल पर लगा रहा और ठीक से खाना भी ना खाया, जिससे मेरी सेहत भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है, बुरे असरात हुए आए हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा से खाना भी टाइम पर खाऊँगा और पढ़ाई पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूंगा।